इस गाने के बारे में छोटी सी बात है जो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। मुझे आप दो मिनट मैं बदलूँगा आप लोग का। इसमें मेन चीज़ क्या है बताऊँ आपको, ये गाना सुना हमने, इसमें एक चीज़ हमने कोशिश की, लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों बैठे ऐसे बात निकली, भाई सरगम होती है सब जानते हैं हम लोग, तो सारे गम पहले से बजाइए। जी जी धारण भे बराबर, ये सारे गम सबको सबको मालूम है। एक आता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक स्केल, क्रोमेटिक ये तो स्केल हो गया, इसमें मेजर माइनर होते हैं। सॉरी मैं मतलब बोर तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ इतना हम जो करते हैं, हाँ हाँ उससे बोल रहा था। इसके अंदर जो आता है स्केल अपना, अब बजे क्रोमेटिक स्केल बजाइए, सुनो पैसे मिलने वाले हैं, ये अच्छे से बजाइए जरा। नहीं सेम टोन वापस आइए, आप समझे दिस कॉल्ड, मतलब किसी ने कंपोज नहीं किया कभी, तो लक्ष्मीकांत ने सोचा क्यों नहीं हम इस स्केल के अंदर एक गाना बनाएं। ये किया, दूसरा हमने ये ट्राई किया, सुर चल रहा चल रहा चल रहा, आधा सुर ऊपर चले जाए और आधा सुर ऊपर चले जाए, साथ चेंज होते जाए। तो पहली चीज़ क्या है, आपने जो बजाया स्केल बजाय ऊपर से बजाइए क्रोमेटिक, आज से बजाइए, अब साथ में गाइए आप, 1 2 3 नानी जिंदगी में कौन आता। अब देखिए इसमें क्या है, आप समझ गए मुझे आज, मतलब कोई यूज नहीं करता इस स्केल को। फिर लास्ट कोड़ा बजाइए, थैंक यू। अच्छा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से, लोग कहते हैं कि आप मुश्किल बनाएंगे पब्लिक नहीं समझती, मैं हमेशा बोलता हूँ ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है अब करेक्ट है। इसलिए बख्शी जी ने खास मुझे कहा था एक दिन, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये गाना मालूम है आप लोग को, आते मेरे साथ में जरा गा के सुनाइए आप, आपको याद है, कम ऑन कम थैंक यू। तो ये सब लाइफ की बातें हैं, हम काम भी करते हैं और अपने लाइफ को सबके साथ मतलब बांटते हैं। इसलिए मैंने ये बताया कि भाई जिनको शायद इस चीज़ का मालूम हो नहीं मालूम हो उनको मालूम पड़ जाए कि ये क्रमिक जो है ये जो सुपर स्केल है ये हमने इस गाने में खास यूज़ किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।